नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। इस वक्त मौजूद है हम चंडीगढ़ के अंदर। यहां पर मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहां पौधारोपण कर रहे हैं। जानते हैं किस उपलक्ष्य में आज पौधारोपण किया जा रहा है, क्या वजह है पौधारोपण करने की, जानते हैं डायरेक्ट लोगों से बातचीत करके। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमित इंसान। अमित जी, क्या काम करते हो आप? मैं एडवर्टाइजिंग मीडिया हूँ सर। ओके सर, आज पौधारोपण आप कर रहे हो, किस उपलक्ष्य में पौधारोपण किया जा रहा है? सर, ये आज डेरा सच्चा सौदा के हमारे जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रमन सिंह जी इनसे है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये पौधारोपण हर साल किया जाता है 15 अगस्त के दिन। जी। हाँ जी। तो जैसे सर, आज जैसे आपने पौधारोपण किया, तो किस तरह से आप इसकी आगे फिर साज संभाल करते हैं? इस पे ऐसे हमारी संगत की ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे आज आपने देखा होगा कि इतनी जनसंख्या में यहाँ पर लोग आए हैं जो पौधे लगा रहे हैं, तो उनमें से किसी ना किसी की यहाँ पर सेवा रहेगी, और इनके लगाने के बाद उनको रेगुलर पानी खाद डालना, इनकी देख संभाल करना, इनको कैसे रखना है, वो सब देखा जाता है। जी, जिस वजह से इनकी अच्छे से संभाल हो सके और ये आगे बढ़ फूल सके। जी। सर, आज के समय में हम देखें कि बहुत ही लोगों का बिजी शेड्यूल रहता है। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने किस तरह से सोचा है कि पर्यावरण को बचाया जाए, पौधा लगाया जाए, किस तरह से आपने टाइम निकाला, कैसे मैनेज किया आपने ये चीज़ें? सर, जैसे कि ये भी देख रहे हैं, आजकल के टाइम तो किसी पे होता नहीं है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर संत गुरमीत राम रमन सिंह जी इनसे है, उन्होंने हमें बताया पहले मानवता है, उसके बाद अपनी बिजी आपकी लाइफ है। जी। ठीक है, हम इंसान उनके ही राह पे चलते हुए इंसानियत के, मानवता के 134 कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें से पौधारोपण भी एक है। उसमें से जैसे वैश्यवृत्ति है, हमारे ब्लड डोनेशन है, और हम कैंसर पीड़ितों की भी हेल्प करते हैं, रेगुलर पीजीआई में ब्लड डोनेट करते हैं। ठीक है, और उसमें से जैसे पौधारोपण आज के दिन हम पौधारोपण करते हैं हर साल। जी जी। हाँ जी। और डेरा सच्चा सौदा ने जैसे बहुत सारे कार्य जो चला रखे हैं, इनसे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि किस तरह से समाज को सीख मिलती है इनसे? अगर आप देखें कि जब से डॉक्टर संत गुरमीत राम रमन सिंह जी अंदर या जेल में गए हैं, जो भी बेबुनियाद उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसके अब तक भी कोई सबूत गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। जी। लेकिन आप देखेंगे कि उनके जाने के बाद कितना कर्म जो कांड है, उसमें लोग ऐसे डूब चुके हैं कि नशा दोबारा बढ़ चुका है, जबकि डेरा सच्चा सौदा के टाइम में नशा कम हो रहा था गवर्नमेंट में। जी जी। ठीक है, आप पंजाब में आप देखेंगे कि आज भी नशा टॉप पर चल रहा है। जी जी। ठीक है, किस तरह से गुरुजी है लोगों का नशा छुड़वाते थे, क्या प्रोसेस रहता था उनका नशा छुड़वाने का? उनका उनके वचन ही ऐसे है सर, अगर आप सुन लोगे तो आप खुद मा खुद ही उनके नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे। उन्होंने हमें सिर्फ इंसानियत का ही पाठ पढ़ाया है, उससे पर हमें कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। उन्होंने बोला कि आप मानवता का कार्य करें, जैसे कि अभी हम बेटी बचाओ वो चलाते हैं, गवर्नमेंट ने तो आप चलाया, हम इनको 19 पता नहीं कौन सी सन से चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, जिसमें से आजकल भ्रूण हत्या का आप देख रहे थे, पहले बहुत मामले जाते, जिनको माँ बाप ने ठुकरा दिया, उनको आज भी डेरा सच्चा सौदा के हमारे जो संत गुरमीत राम जी, उनको बेटी बनाकर उनकी पढ़ाई खेल कूद सारा एजुकेशन, उनको हॉस्टल की देख एसी रूम्स में रखना, उनको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। जी। क्या आज समाज को उनकी ज़रूरत है? सर बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप देखोगे कि आज की डेट में कितना कुछ हो रहा है, आप रोज़ अखबार में पढ़ते होंगे, कहीं लूट मार होगी है, कहीं नशा होगी, बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। जी, जी। अगर आप देखो तो उस वजह से कोरोना महाकाल में इतने जनसंख्या की नौकरी छूट गई, जिस वजह से आज कंपनीज भी आप सैलरीज दे रही है और लोगों पे काम नहीं है, जिस वजह से वो नशा करते हैं, लोगों के घरों में चोरी करते हैं, या कुछ भी आप कह सकते हैं। जी। ठीक है, उस हाँ जी। लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा, जो हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रमन सिंह जी इनसे हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए, और जितने भी मानवता कार्य जो वो आगे से आगे काम करवा रहे थे, जो हमारे अनुयायी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, उनकी मानवता के काम रेगुलर कर सकें। थैंक यू सो मच सर। तो ये रियल फैक्ट समाज के रहने वाले लोगों ने बताया, और ये पौधारोपण करके जो पर्यावरण को बहुत ही अच्छा तोहफा दे रहे हैं, कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के पावन जन्मदिन पर पौधा लगा रहे हैं। बहुत ही ये खुशी का कार्य, बहुत ही सराहनीय कार्य है जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद।